हाय गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम वाटर के शॉट कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक शॉट किया था वाटर का, वो मैंने सीक्वेंस पर पेंट मारा था क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट शॉट था। अभी जो मैं करने वाला हूँ ये स्टैटिक शॉट है, पर ये ट्रिक आपको काम आएगा हर एक शॉट पे करने के लिए, मीन्स वाटर शॉट पे करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा शॉट है। ओके, ये स्टैटिक है। ये शॉट इजी है, आप ये शॉट आराम से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पेस मिल रहा है और रेफरेंस मिल रहा है जो आप आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पर अभी यहाँ पे स्पेस है, रेफरेंस मिल रहा है तो आप कर सकते हो, पर कुछ कुछ शॉट पे ऐसा होता है कि इतना ही मिलता है एरिया इस रेफरेंस, तो आप इसी को ना लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। सो ये ट्रिक आपको डेफिनेटली वर्क होगा किसी और शॉट पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम लोग ये। मैं आपको इतना दिखाता हूँ करके क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। सॉरी, ये शैडो है, ये भी रिमूव करना है, शैडो है इसका। मैंने इतना करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले प्रिफ्रेंस सेट कर लेना, ऐसा मैं आपको दिखा चुका हूँ बहुत बार, प्रिफ्रेंस सेटिंग करना, बेसिक्स मतलब बता चुका हूँ पहले से। तो मेरा शॉट तो स्टैटिक है। पहले तो आप एक ट्रैक निकालो क्योंकि रोटो के लिए। थोड़ा पिक्सल ब्रेकिंग हो रहा है, इसके लिए आप एक ब्लर नोट ले लो। सेटिंग में जाओ ट्रैक के, वहाँ पे एडजस्ट फॉर लुमिनेंस चेंज कर दो, ऑप्शन ऑन कर दो। ट्रैक हो गया आपका। इसे हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट करके करना है। तो पहले एक रोटो ले लो और एक ट्रैक हो, ट्रैक निकल चुका मेरा, रोटो ले लो आप। यहाँ पे टू प्रेस करो, ट्रैक के ट्रांसफर वैल्यू में जाओ। यहाँ पे जो ट्रांसलेट वैल्यू है सीबीए, मुझे अपने रोटो के ट्रांसफॉर्म के ट्रांसलेट वैल्यू में डालना है। और यहाँ पे आपका रूट सिलेक्ट होगा, मतलब रूट मतलब लेयर, एक लेयर सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे कोई भी रोटो नहीं डालना आपको स्टार्टिंग में, आपको जो लेयर है उस पर आपको ट्रैक पहले डालना है। ट्रांसलेट जो है मेरे रोटो के लेयर पे, वहाँ पे जाके ट्रैक का जो ट्रांसफॉर्म का जो ट्रांसलेट है वो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस एरिया पे क्लिक करना है और इसे ड्रैग करना है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक पकड़ के वहाँ पे छोड़ देना है, ऐसा हो जाएगा। सेंटर वैल्यू को नहीं डालना है यहाँ पे, सिर्फ ट्रांसलेट वैल्यू को ही डालना है।
उसके बाद हाँ, सो पहले हाफ हाफ पार्ट लेता हूँ मैं। इस रोटो में मेरा ट्रैक आ चुका है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म से आप रोटो पे आ जाओ। रोटो होने के बाद टैप प्रेस करना है, ट्रांसफॉर्म मास लेना है, ओके ना। टैप प्रेस करके ये नोड लेना है, ट्रांसफॉर्म मास। इसको लगाना है मुझे, ये जो नोड है इसको लगाना है इनपुट पे, और यहाँ पे जो मास का नोड है ये लगाना है रोटो पे। ये जो डॉट आता है ये कंट्रोल से आता है, ये जो डॉट है ना ये आता है कंट्रोल, कंट्रोल से आता है। इसे आप करके लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये नो डॉट बनता है, ओके। ये रखा हूँ मैं इनपुट देखने के लिए। सो ये आपका इनपुट इनपुट है, ये आपका ट्रांसफॉर्म नोड है। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, स्क्रीन छोटा करो, ट्रांसफॉर्म पे डबल क्लिक करो। ये जो जो पॉइंट है पिवट पॉइंट, इसको कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके यहाँ पर ले आओ, जहाँ आपने आपका रोटो है। कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करके इसको लाया मैंने। उसके बाद सेलेक्ट करो, और जो नम लॉक की होते हैं ना, जैसे 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नम लॉक की होते हैं उस की से इसको मूव करो। तो मैंने अभी फर्स्ट फ्रेम पे ही कर रहा हूँ मैं, मुझे एक ही फ्रेम पे करना है, सब पे नहीं करना, क्योंकि मेरा रोटो जो है ना एनिमेट हो चुका है ट्रैक के ज़रिए। ठीक है, इतना होने के बाद इरोड फिल्टर लेना है, टैप प्रेस करके सेम इरोड फिल्टर। इस रोटो के बीच, ट्रांसफॉर्म और रोटो के बीच में जो मास है उस पर डाल देना है। उसके बाद जो इसका जो वैल्यू है इसे ना इसको माइनस करना, -2 करो, इंक्रीज करो, -3 करो, -4 करो, अपने हिसाब से सेट कर लो इसको जो देखने में अच्छा लगे। उसके बाद एज ब्लर लो, एज ब्लर, डी फोकस या ब्लर, कोई भी नोट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं एज ब्लर देना है, मैं एज ब्लर दे रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस, टैप प्रेस करके एज ब्लर, इसको भी उसके बीच में डाल देना है। अब ये क्या है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, सो एज ब्लर पे आओ, डबल क्लिक करो। इसके जो पैरामीटर है यहाँ पे आके साइज है जो डी फोकस का, मतलब ब्लर का, उसको इंक्रीज करो। अभी देखो, अभी ऐसा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा ये भी नहीं आने वाला है, फिर मैक्स में ट्राई करता हूँ अभी लाने का, ठीक है। तो इतना होने के बाद एक प्रोसेस, ओके सॉरी, फाइल मैंने सेव नहीं किया, पहले फाइल सेव कर लो। अभी ये पार्ट सेपरेट सेपरेट करना है। इस रोटो में मेरा ऑटोमेटिक ट्रैक लगा हुआ है, तो मैं ये रोटो को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा स्क्रीन पे। कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल सी और कंट्रोल वी है। इस पर डबल क्लिक करके इसके जो रोटो है वो डिलीट कर दूँगा मैं। उसके बाद मैं फिर से रोटो लूँगा,
पहले इतना पार्ट कर लूँगा, ये नहीं ले रहा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब प्रेस करना पड़ेगा। ओके, रोटो होने के बाद सेम प्रोसेस, सेम ट्रांसफॉर्म मास नोड लेना है, इसको लगाना है आउटपुट पे, जो फाइनल आउटपुट यहाँ से मेरा ना इसके ऊपर ही लगाना है, सॉरी इसके नीचे लगाना है। उसके बाद ये जो सेम मास है रोटो में लगाना है, और इसके जो पिवट पॉइंट है इसको कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे लेके आना है, सेम प्रोसेस जो मैंने आगे यूज किया है। उसके बाद फिर इसको मूव करना है नमलो की से। इतना होने के बाद इरोड फिल्टर देना है, इसको कंट्रोल और स्क्रॉल अप डाउन से ना ये तुम कर सकते हो एडजस्ट। सो मैं कंट्रोल और स्क्रॉल अप एंड डाउन से इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर एज ब्लर दे रहा हूँ मैं, इसको भी सेम मैं कर रहा हूँ। इतना मेरा कंप्लीट हुआ, अभी इसके नीचे के लिए आता हूँ मैं। सेम प्रोसेस, रोटो कॉपी करना है, यहाँ पे सेम चीज़ आ रहा है। टेंशन लेने के नहीं है, फर्स्ट कंप्लीट करो, ये चीज़ भी हट जाएगा। यहाँ ब्लैक आ रहा है जो, वो भी हट जाएगा। मेरा फाइनल यहाँ से है। सो आपकी जो ब्लैक आ रही है यहाँ पे आ रही है, सो आप इतने एरिया को रोटो मारो फिर से और सेम प्रोसेस यूज करो। चला गया अभी कोई, जो पहले ऐसा था ब्लैक, पहले यहाँ ब्लैक था, अब यहाँ पे नहीं है। सो पानी की रोट हम ऐसे ही करते हैं, इसमें सिर्फ इसको बोलते हैं डीवी करके करना पड़ता है, रोटो को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके करना पड़ता है। यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्स मिल रहे हैं इसलिए आप कर ले रहो, बहुत सारे शॉट में क्या होगा सोर्स नहीं मिलता, तब भी आपको यही प्रोसेस यूज करना पड़ता है।
भाई प्रोसेस सब सेम है, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ा ब्लर हो चुका है यहाँ पे, सो शार्पन लेके इसके जो रोटो है ना यहाँ पे ऐड कर दो, इसकी वैल्यू को 0.5 कर दो।
इस पानी में ऑलरेडी ना डबलिंग जो होता है ना रिपीटेशन ऑलरेडी है इस पे हर जगह पे। सो आप अगर लगता है आपको कि यहाँ पे रिपीटेशन है तो आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे लगता है तो आप रिमूव कर सकते हो। उसे कैसे करना है, सपोज आपका ये यहाँ पे लग रहा है कि ब्लैक आ रहा है, सो क्या करना है आपको, आपका फाइनल जहाँ पे है, फाइनल सपोज ये मेरा फाइनल है यहाँ पे आ रहा है, सो आप क्या करो जिस एरिया पे लग रहा है आपको डबलिंग आ रहा है, रिपीटेशन रिपीटेशन आ रहा है, सो उतना एरिया को ऐसे मार्क कर लो रोटो मार के, और फिर सेम प्रोसेस यूज करो। तो उससे क्या होगा, आपका रिपीटेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो पर इस वाटर पे हर जगह पे रिपीटेशन पहले से ही है, मीन्स इनपुट ही इसका रिपीटेशन पहले से यहाँ पे, सो फ़ायदा नहीं है करके, ठीक है। सो ऐसे ही करते हैं हम लोग वाटर के शॉट। अगर तो हम लोग ऐसे ही इसी वे से हम लोग वाटर शॉट करते हैं। सो ठीक है,
आप इस प्रोसेस से यूज कर सकते हो किसी भी वाटर शॉट पे, अगर नहीं है रेफरेंस ट्राई करो, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस।